ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की अध्यक्षता में बोरित विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जरलो के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर में जनमंच का आयोजन किया गया। जनमंच के दौरान कुल 206 शिकायतें व समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर समाधान कर दिया गया। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरलोग की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच के दौरान कुल 206 शिकायतें व समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही हो गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने संबोधन में कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लक्ष्य लेकर चले हैं कि लोगों की शिकायतों व मांगों का हल उनके घर द्वार पर हो, इसी उद्देश्य से जनमंच का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र को धरातल पर उतारा है और लोगों को राहत पहुंचाई है। लगभग कोई 206 और इससे ऊपर जन शिकायतें आई हैं। यहाँ पर जो मूल रूप में मैंने पाया है वो पानी और रेवेन्यू, मतलब भूमि से संबंधित और पानी से संबंधित विषय आए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने मौके पर ही ठीक कर दिया है। बाकी जो है वो हमने जिलाधीश और हमारे एसपी साहब और सभी आला अधिकारियों को इस बात के लिए इंश्योर करने के लिए कहा है। थोड़ा सा रेवेन्यू में है थोड़ा गड़बड़, और जो पानी में भी हमने देखा है कि एक दूसरे पे थोपा थोपी ये चली है, वो सब ठीक हो जाएगी और जितनी भी सारी चीजें उनको हम ठीक करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण भारी जन समर्थन पूरे प्रदेश में प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच विकास के क्षेत्र में प्रदेश को शिखर पर लेके जाने की है और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए वे स्वयं विदेशी दौरे पर गए हुए हैं। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी पूर्ण कर लिया है। इसी का परिणाम जनमंच जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे जनमंच पर प्रस्तुत शिकायतों को गंभीरता से लें और समयबद्ध इनका निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करें। अभी हम लोगों ने कहा है कि 15 दिन में तो हम सारी चीजें ठीक करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे लगता है सब लोग, हम अधिकारी कर्मचारी, बढ़िया काम करेंगे। सभी ब्लॉक में ये जिला तो काफ़ी लिटरेसी रेट में बहुत आगे है, तो यहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे ऐसा विश्वास है हमें। और सारा देखने को आई है कि ज़्यादातर जो में लगा है ओरिएंटेशन और इसमें रिफ्रेशर कोर्सेज, और हमें लगा तो भाई क्या करना चाहिए कि वो लोगों के लिए जवाबदेह जो है हम प्रशासन दे सके, इसके लिए हमने कहा है डीसी साहब को कि आप अभी सर किसी बंदे को देख रहे नहीं। हाँ वो ऐसा है, एक दो कई बार ऐसा होता है, कई बार समझ भी नहीं आती है, और जब आप जनमंच में हैं तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार मौखिक रूप से वहीं पर उठती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से जनता को ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो ये जनमंच कार्यक्रम चला है, जिसमें हम जनता को उसके घर द्वार पर जो है उनकी शिकायतें उनकी डिमांडें सुनने का काम कर रहे हैं और शिकायतों को 15 दिन में सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं हम और कर भी रहे हैं, उसमें ठीक है कहीं पर अगर कुछ बहुत विकल्पना वो हम इम्प्लीमेंट करें। सर जैसा कि हर एक बात में